एक खूबसूरती, कितना सुंदर दृश्य यहाँ का, बहुत ही शानदार। तो ये कर्माबाई जी की हवेली दिखा रहे हैं, नरवर जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश में, किला है नरवर, वहीं पर बनी हुई है। बहुत ही सुंदर छवि बन रही है यहाँ की। तो क्या क्या बात बताएं कि यहाँ जो पत्थर जितना भी लगा है जी, बाहर से पत्थर नहीं लाया गया है, यही नरवर के किले पर ही पत्थरों की खदान बनी हुई है। यदि आप कमेंट करके बताएंगे तो हम आपको यहाँ पत्थरों की खदान भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये जब बताएंगे जब नमस्कार आप। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग पर। मैं हूँ धीरज, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम एक बार पुनः नरवर किले पर पधारे हैं और आपके लिए लाए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे भक्त शिरोमणि कर्माबाई की हवेली। कर्माबाई जी थी, उन वो बहुत बड़ी भक्त थी, तो उनकी हवेली आपको दिखाएंगे और पूरी तरह से अच्छे से उसका भ्रमण कराएंगे। और वीडियो देखने के बाद यदि आपको लगे वीडियो अच्छी है तो उसको लाइक कर दें, और यदि आपको बेकार लगती है तो उसको डिसलाइक कर दें, लेकिन कुछ ना कुछ करना जरूर है। और वीडियो को पूरी अंत तक देखना है, क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो आपसे मिस हो जाते हैं, आप उनको देख नहीं पाते, आगे आगे स्किप कर देते हैं। इसलिए आपको पूरी शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ हम आपको कर्माबाई जी की हवेली का भ्रमण कराएंगे, उनके बारे में ज़्यादा कहानी किस्से नहीं सुनाएंगे। कहानी किस्से सुनाने के लिए हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तो जिसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाएगी, बेल आइकन को दबा लें। तो चलते हैं हम आपको कर्माबाई जी की हवेली तक। तो हवेली भी काफ़ी सुंदर और बहुत ही अच्छी बनी हुई है, तो काफ़ी लोग देखते हैं हवेली को। यदि आपने नहीं देखी है तो हम आपको दिखाएंगे। ये वीडियो विशेष तौर पर उनके लिए बनाई जा रही है जो किले पर आने में असमर्थ हैं, नहीं आ सकते, जो बाहर के लोग हैं बहुत दूर के, इसलिए हम इस वीडियो को हम बढ़ गए हैं कर्माबाई जी की हवेली की तरफ। ये देख लो बाहर से कैसी दिखती है, दिखने में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदरता से इसको बनाया गया है। इसमें बहुत ही काफी अच्छा डिजाइन बनाया गया है। देखो इसमें ये बहुत ही अच्छे बेल बूटे छपे हुए हैं, और जो पहले दरवाजे जो बनाते थे बहुत ही सुंदर तरीके से बनाए जाते थे। देख लो हम आपको बारीकी से इसका भ्रमण कराएंगे, तो आप प्लीज वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी, और क्रम से देखते जाएं, पूरी देखते जाएं। देखो यहाँ से दिखाएं, यहाँ स्टार्टिंग में यहाँ आएंगे तो देखो कितनी अच्छी मेहराब बनी हुई है। इसमें भी चूने का और काफी मजबूत पत्थर का जो बना हुआ है नरवर का किला, और पहले पत्थरों की मेन सुविधा तो यहाँ यहाँ एक थी, वो हम बता रहे हैं आपको। देखो इधर से हम आए हैं, ये तो दोनों साइड मेरा बनी हुई है, देखो बहुत ही सुंदर। कुछ लोगों ने इसको तोड़ फोड़ कर दी है, लेकिन जो पिलरों को तोड़ फोड़ अभी तक नहीं किया है। अब अंदर के लिए प्रवेश कर गए हम यहाँ। अब तीन मेरा आप देखो, तीन तीन की जोड़ी, किले का ये मकसद रहता था पहले तीन। देखो इधर देखो, यहाँ इधर भी तीन मेरा बनी है, इधर भी तीन बनी है। ये पता नहीं क्या, तीन तीन की कड़ी बहुत ज्यादा चलती थी पहले, तो इसमें सामने भी तीन बनी है। देखो कितनी सुंदर, कितना सुंदर नजारा है, शायद आपने कभी देखा हो पहले। ये देखो तीन मेरा इधर बनी है, और इधर भी घुमाया हम आपको, तो देखो तीन खिड़की वो अलमारी इधर बनी है, तीन तीन। तो पता नहीं तीन की प्रक्रिया हमको समझ में नहीं आ रही है। देखो कितनी सुंदर सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है, बहुत ही सुंदर लाजवाब। देखो कितनी सुंदरता है बनाने में, ये गोंक बनी हुई है। आजकल ये स्टील की रेलिंग वगैरह लगा रहे हैं, जो पुरानी प्राचीन काल में ही ये पत्थरों की रेलिंग लगाई जाती थी। देखो कितनी अच्छी जी, और सामने देखो कितनी बहुत ही सुंदर मेहराब वगैरह बनी हुई है। देखो आपको थोड़ी अंदर से भी दिखा दें,
यहाँ जाने ऊपर जाने के लिए जीने लगे हुए है, तो आपको ऊपर भी ले चलेंगे थोड़ा। पहले यहाँ से देख लो आप, ये देखो कितनी खूबसूरती के साथ इसको बनाया गया है। इधर भी एक एक, एक कमरा बना हुआ है इधर, और इसमें अंधेरा के चक्कर में ज्यादा आपको दिखा नहीं सकते, तो पूरा बोकर आए आपको। जब वो इनमें रहती होंगे तब कितना अच्छा लगता होगा। ये कमरा ये है और ये कमरा ए है सामने। यहाँ से देखो कितना, हमारे सर जी आए हैं एक्सरसाइज करने के लिए, तो आप अपनी फिटनेस पर काफी ध्यान देते हैं। काफी सुंदर आकृति बन रही है यहाँ की। तो एक बार हम पुनः आपको चारों तरफ से घुमा के दिखा देते हैं कैमरा। ये देखो ये दो मंजिल बनी हुई है। और इसमें चारों तरफ से गोंक लगी हुई है, छज्जा टाइप का नहीं बनाते, तो चारों तरफ से लगी हुई है। ऊपर भी बहुत अच्छा डिजाइन है, तो हम आपको ऊपर ले चलते हैं अभी। ठीक है, तो इस जीने से चलाएंगे। ये जीना बना हुआ है, इसमें अंधेरा है इसलिए, और पानी इसमें काफी लोग बाग आए हैं। इसमें पूरी में ऊपर से देखो इसमें पानी गिर गिर के ऐसे निशे निशान बन गए हैं। इधर हम आ गए हैं, तो इधर देखो इसमें भी कितनी अच्छी तरह से डिजाइनिंग बनी हुई है। देखो डिजाइनिंग देखो तुम, तो कितनी कढ़ाई वगैरह बनी हुई है, बहुत ही सुंदर, जो शायद ही आपने आपको किसी ने दिखाया हो। आप किले पर तो कई बार पधारे होंगे, आए होंगे, लेकिन इतनी गौर गहराई से और गौर से आपने नहीं देखा होगा। आप जल्दी जल्दी में आए होंगे और चले गए होंगे, इसलिए हमारा मकसद है आपको बहुत ही अच्छे से भ्रमण कराना। कितना पिलर इसका कितना सुंदर बनाया गया है। देखो आजकल के पिलर तो ये आरसीसी के बनाते हैं, एक डब्बा बंद कर दिया पेटी में और बन गया पिलर, सीमेंट भर दी, कुछ मेहनत नहीं लगती। आजकल जो रेडीमेड काम हो रहा है, और जो पहले जो काम होता था वो बहुत ही मेहनत और लगन के साथ काम करते थे लोग, और उनके हाथों में एक तरह से उनको वरदान था या जादू कहें, इतनी अच्छे अच्छे से डिजाइन बनाते थे। तो आजकल ये डिजाइन, इतना अच्छा डिजाइन बनाना संभव नहीं है, क्योंकि आजकल जो बनते हैं वो मशीनें चल गई हैं, और पहले तो ये पता नहीं मशीनें नहीं थी, मशीनों का अभाव था, तो हाथों से वो कुछ पता नहीं क्या सामान होगा उनके पास, कैसे बनाते थे। देखो ये गोक बनी हुई है पूरी, यहाँ से पूरा प्रांग वो दिख रहा है। देखो तो कितना सुंदर नजारा है यहाँ का। इधर ले चल रहे हैं आपको, इधर एक कमरा इधर बना हुआ है। ये देखो तीन दरवाजे ये बने हुए हैं, तीन की कड़ी का हमारे दिमाग में नहीं बैठ रहा कुछ। यहां से भी कितना अच्छा नजारा लग रहा है देखने में। और ये काफी मजबूत पत्थर का बना हुआ है, पूरी तरह से मजबूत है पत्थर। और एक विशेष तौर पर यह बात है, क्योंकि ये पत्थर देखो इधर भी कितना अच्छा डिजाइन बना हुआ है, इसमें वो भी बहुत ही काफी अच्छा डिजाइन है। तो देखो यहाँ से देखो कितना सुंदर दृश्य है यहाँ का, बहुत ही शानदार। तो ये कर्माबाई जी की हवेली दिखा रहे हैं, नरवर जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश में किला है, नरवर वहीं पर बनी हुई है।
बहुत ही सुंदर छवि बन रही है यहाँ की। तो क्या बात बताएं कि यहाँ जो पत्थर जितना भी लगा है, जी बाहर से पत्थर नहीं लाया गया है, यही नरवर के किले पर ही पत्थरों की खदान बनी हुई है। यदि आप कमेंट करके बताएंगे तो हम आपको यहाँ पत्थरों की खदान भी हम आपको बताएंगे, लेकिन जब बताएंगे, जब आप कमेंट, यदि आपको पत्थरों की खदान देखना है तो कमेंट करें कि हमको बताएं। तो इसमें देखो चूने का भी काफी डिजाइन बना हुआ है, इधर देखें, ये डिजाइन दिख रहा है, तो ये चूने का डिजाइन बना हुआ है, देखो चूने में भी डिजाइन छा। और आप अंदाजा लगा लें जी कितनी साल पुराना, कितना पुराना डिजाइन है चूने का, और चूना कितना पहले, देखो ऊपर कितना बहुत खूबसूरती से इसको बनाया गया है, अभी तक चूना लगा हुआ है, देख लो अभी जो चल रही है वो पुटिंग चल रही है, तो इतनी साल तक, इतनी उम्र पुटिंग की नहीं है जो चूने की इतनी उम्र है, तो हजारों वर्ष से ये चूना लगा हुआ है। और हम आपको अंदर और चल रहे हैं और दिखाते हैं, इधर यहाँ हम प्रवेश कर गए, यहां से भी देखो ये मेहराब बनी हुई है, ये देखो यहां से बनी हुई है, ये तीन मेहराब, ये तीन मेहराब ये बनी हुई है, तो काफी। और यहाँ से सामने जो रास्ता दिख रही है, ये बकरी चराने के लिए जा रहे हैं, तो भी क्या है, बरसात का मौसम चल रहा है तो इसमें गिरने का भी डर है, तो यदि हम ज्यादा ऊपर ऊपर जाके आपको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आपको सब चीजें दिखाई जाएं। तो बहुत ही सुंदर है देखो देखने में, तो आप जब भी नरवर आए तो इस कर्मबाई जी की हवेली को जरूर देखें, ठीक है। और हम ऊपर को ले चल रहे हैं, आपको ऊपर से भी दिखा दें एक जीन, इधर आ गए, यहां से भी आपको दिखाएं पूरा दृश्य, यहाँ तो सामने देखो कितनी बस्ती, इसमें काफी बस्ती बसी हुई थी सामने पूरे में, तो जी मकान गिर चुकी हैं, पूरी जर्जर हो गए हैं, और इनमें काफी लोग रहते थे, तो उनके जो मकान बने हुए हैं, ठीक है। तो ये पूरी कॉलोनी थी एक, तो ये गिर चुकी हैं पूरे, देखो इधर काफी अच्छे अच्छे मकान बने थे यहाँ जो रहने वाले थे, तो उनकी तो ये हवेली बड़ी बड़ी संरचित इसलिए हुई कि जो मेन मुख्य आदमी थे यहाँ के, इसलिए इनके जो महल जो बचे हुए हैं, और आम आदमियों के छोटे छोटे थे उनके सभी खत्म हो चुके हैं पूरे। यहाँ से भी देख ले, यहाँ से भी बहुत सुंदर, तो यहाँ से वो ऊपर चढ़ के यहाँ से सब देख लेते थे, देखो बहुत दूर दूर तक निगाह करके, इधर ले चल रहे हैं आपको, यहाँ से ये उसकी छत है, शायद इसको इसकी दीवारें इतनी ऊंची बनाई हैं कि भविष्य में इसके ऊपर एक मंजिल और बनाने के लिए इसको आधी दीवारें में उठा के छोड़ दिया गया था, ठीक है। यहाँ से देखो कितना अच्छा दृश्य होता होगा जब वो देखते होंगे यहाँ से, इसलिए बनाए थे। और ऊंची दीवारें इसलिए बनाई गई क्योंकि जो भक्त श्रोमणि जो कर्माबाई थी वो एक लेडीज थी, तो उनको वो ज्यादा ताका झांकना हो इसलिए बनाई थी। यहाँ से भी देखो वो देख लेती थी यहाँ तक, कितनी दूर दूर तक यहाँ का नजारा यहाँ से दिखाई दे रहा है। इधर भी कुछ मकान बने हुए थे वो टूट गए हैं, और ये पहले ये चारों कोने बनाते थे, इसमें ये लगा हुआ है, तो ये किस लिए बनाते, इसमें खंबे झंडे लगाने के लिए वो खड़े करते थे, एक इसमें देखो इधर और इधर, तो ये खंबे झंडे लगाने के लिए ये बनाए जाते थे। और ले चले आपको, तो हम पुनः एक बार नीचे
नीचे की ओर प्रस्थान कर गए हैं। एक चीज और हम आपको दिखाना चाहेंगे, इधर देखो इसमें ये कितना अच्छा इसमें चूने का डिजाइन बना हुआ है। देखो ये चीज हम आपको दिखाना चाहते थे, ये चूने का डिजाइन अभी भी छपा हुआ है, लाख हजारों वर्ष पुराना चूना लगा हुआ है इसमें। तो चूने की इतनी एक्सपायरी डेट होती है, जिसकी अनलिमिटेड होता है चूना, यदि उसको कोई नुकसान ना हो तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। ये कमरा ये बना हुआ है। और एक चीज और हम आपको दिखाएंगे इधर से, और ये बना हुआ है तो ये क्या है इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। जो आज के टाइम में जो टॉयलेट वगैरह जो बनाते हैं, टॉयलेट जो बनाते हैं अब छतों पे बना देते हैं, तो जो प्राचीन काल में भी वो टॉयलेट बनी हुई है, तो ये वही टॉयलेट बनी हुई है। देखो इसमें अंदर लेकर आप जाए आपको, तो इसको थोड़ा बंद कर दिया गया है यहाँ से, इसमें नीचे यहाँ गड्ढा था वो अभी बंद कर दिया है इन्होंने। तो ये टॉयलेट बनी हुई है, क्या है ये प्राचीन काल की टॉयलेट बनी हुई है जी इसमें। तो टॉयलेटों का आप अंदाजा लगा सकते हैं, टॉयलेटों का प्रचलन कितनी वर्ष पुराना है। तो हमने आपको बहुत ही भली भांति दिखा दिया है, और आपको ले चल रहा है नीचे एक बार, और यहाँ से दिखा देते हैं आपको यहाँ से पूरा। तो हम आप नीचे के लिए जा रहे हैं, देखो ये जीना लगा हुआ है, जीना काफी मजबूत बनाते थे। तो एक बार और देख लें, तो आप बताइए कि आपको ये कर्मा भाई की जो हवेली है वो कैसी लगी? ये हवेली बहुत ही सुंदर हवेलियों में गिनती है इसकी, ये नरवर के किले के ऊपर बनी हुई है, ये बहुत ही अद्वितीय है, यानी कि इसके समान कोई दूसरी हवेली यहाँ पर नहीं है। बहुत ही और यहाँ पर जो पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है, ये हवेली बनी हुई है, लगातार यहाँ पर जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं इस हवेली को घूमकर जरूर जाते हैं। तो आप पहली बार आए हैं क्या? आपने पहली बार भी देखी है या आपको मालूम नहीं थी इस हवेली के बारे में? नहीं, इस हवेली पर हम पहली बार आए हैं, पहले हमें जानकारी नहीं थी, आपके माध्यम से हम इस हवेली पर आए। तो आपको अच्छा लगा ना यहाँ हमारे साथ? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा हमें इस हवेली में घूमकर। तो दर्शकों के लिए क्या कहेंगे आप? दर्शकों के लिए यही कहेंगे, आप जब भी यहाँ नरवर अगर आपका चक्कर लगे घूमने के लिए आए तो ये हवेली को जरूर देखें, बहुत ही आकर्षण का केंद्र है हवेली। ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए काफी मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं। और वीडियो आप अंत तक देखें, वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करते हैं, देखते नहीं है और कमेंट करते हैं कि ये कहाँ है कहाँ है, इसलिए हमने वीडियो में बता दिया है नरवर। एक बार पुनः बता दें कि नरवर जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश में एक किला बना हुआ है राजा नल का, उसी किले पर यह हवेली बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।